वेलकम आप सबका एक बार फिर अपने नए व्लॉग में कैसे हैं आप उम्मीद करो आप सब ठीक होंगे स्वस्थ होंगे सुबह का व्लॉग आपने देख लिया होगा सुबह गोगा नवमी की जोत जला दी थी दो लगा दी थी सुबह बनाया था खीर और चूरमा खीर चूरमा का भोग लगा दिया था और ईब तैयारी होने लग रही है और शाम की शाम ने क्या हुआ करा की कढ़ाई उतरिया करा कढ़ाई मीन्स तेल में कुछ ना कुछ उतारना जरूरी हुआ करा तो बस उसकी तैयारी चालन लाग रही है लगभग दोपहर में दो बजे का टाइम हो रहा था और दो दो बजे में यूथ लिपन लाई थी चुला की लिपाई पुताई करन लग गई थी क्योंकि फिर नु साढ़े तीन चार बजे मैं चुला कर काम करना बैठ भी जाऊंगी तो फिर सुनागा तो चुला है गिल्ला गिला चुला पाटड़ का डर रहेगा फिर मेरा लिपाई पुताई करने का कोई फायदा कौन को नहीं जाती मेरा इ दोपहर में टाइम लग गया है टाइम तो मेरा लाग ना रहा था सुबह की मैं काम के लाग रही थी फिर मैंने सोचा जो टाइम भी काटना पड़ेगा एक बार इसकी लिपाई है वो जरूर करनी पड़ेगी तो बस मैं शाम की तैयारी कर लग गई थी उपरना बामानी भी देखने लग रही थी कितने कितने धूप छाया सी होने लाग रही थी तो मैं यूं देखे थी दिखा मेरे ऊपर भी थोड़ी बहुत छाया आ जावे बाकी एक साइड ने मैंने मशीन भी चला रखी थी यानी तभी अपना मित्र का काम सब सुलटाव लाग रही से एक तो बालक की छुट्टी थी छुट्टी होने के बाद एक बार फिर बालक ऊपर थे मेला में हो आया था मेला में होना के बाद फिर दिखाव लाग रहा था हम ये चीज लेकर आए हैं ये ना तो बस मेरी के लिए लिपाई पुताई से वो हो गई सर आपने दिखा दिए एक बार किसा लाग गया है देखो ये वाला मेरा चुल्हा है बनकर तैयार हो गया से एक डेढ़ घंटा में बढ़िया डाला सूख जाकर श्याम न कति इसको के ऊपर ही जो भी बनावांगे केक के, के बनावा हाँ केक के ना वो आपने जरूर दिखावांगे पहले तो आप एक बार मौसम देखो जब मन पाई लिपाई जब कती धूप थी और ई एक बादल इसी आ रही है बिल्कुल सूरज का ऊपर और इससे की छाया हो रही से चूल्हा लिपटा तो वो लो लोग आपने देख लिया होगा और एक शाम का टाइम होगा लगभग साढ़े पांच बजे का टाइम हो गया है मन अपना जो सारा सामान है, वो अपना है। घर रात कैसा अपने लिया के, क्योंकि ये का अपना सारा सामान है वो तैयार कर लिया था इस तो मैं जल्दी जल्दी बना लेंगी तो सबसे पहले तो बनाऊंगी मैं हलवा हलवा खातर रख रखी है फिर का के पकौड़ा खातर ये आलू प्याज है ये भी रख रखे है उसके बाद सब्जी भी और प्याज टमाटर ग्राइंड करके रख रखे है और इसमें गुलगुला का बैटर है आ, इसमें इमली की चटनी है वो सारी मैंने तैयार कर कर रख रखी है तो सबसे पहले आप बना लिया हलवा चलो तो तैयारी कर बेटा बेटा वेरडी और लेकर साइड दे हलवा वाली जल्दी ला सबसे पहले हमने तैयारी कर दी थी मीठा थी क्या करा अगर कोई शुरुआत करी जाए तो कुछ ना मीठा हो जाए तो बस हमने भी अपनी शुरुआत वो मीठा तो कर दी थी मीठा में हम बनाव लाग रहा था हलवा सारा सामान तो मैंने अपना कहना रख रखा था जल्दी जल्दी से वो बन भी जाएगा तो मैंने अपनी पहली तैयारी कर दी थी हलवा की और बालक तो कह रहा था मोमा भी खास कहाँ फिर मम्मी ने कही कि हाँ खास कोहो अपनी जोत तो सुबह ही हो ली थी ये तो भाई शगुन सा हुआ करा है तो उसकी बाकी गऊ माता की निकाल कर रख दो ये अभी तो गर्म से ठंडी होने के बाद दे दिए गौ माता ने बाकी खास को तो अपना हलवा है वो तैयार हो गया है और मेरी उतारने की एक बार जुगाड़ देख लो यूं उतार करूँ मैं ज़्यादातर कढ़ाई तो फूकने डाल कर और ये उतर जावा है आरामती बाकी एक बार साइड में भी करनी पड़ेगी कया करी चुल्ला की बाई के पीछे कुछ भी ना रखे सब कुछ खाली होता दिखा है तो बस अपना हलवा है कुछ ही रहा है और एक नंबर का में जैसा एक नंबर का है तो बनया भी ऐसा एक नंबर का था उसके बाद तैयारी हो गई थी पकौड़ा की फिर मैंने बालका थी पूछा मखा बताओ बेटा के खाओगा तो बड़का ने फिर मैं आइसक्रीम ओम पहला पकौड़ा है बना लो मखा चलो थारा पकौड़ा है वो भी बना देवा पकौड़ा बनाव तो लाग रही थी लेकिन मेरा जी है वो बनाए दुख पाउंड लाग रहा था कल एक तेल की बोतल लेकर आया था और उसमें ऐसा तेल ला रहा है जुक्रेस में कोई भी बैटर डालू हो तो तेल है वो ऊपर न फणका आवा है जैसे यूं हो जाए कि ज्यादा इब नीचे गिरेगा तो बताओ इब मैं क्या करा जाऊं मखा इब तो अपना सरसम है वो कटा के लानी पड़ेगी हमने एक कट्टा रख रह रखा है सरसम का एक दो एक महीना पहले हमारा पुराना तेल है वो खत्म हुआ था दो चार बोतल हम लेकर आया भी हाँ गई फिलहाल दुकान में आती मखानु तो काम कौन चल रहा अपना तेल से वो निकलवाना ही पड़ेगा बाकी आप देख सको जब भी जो सामान मैं अगर बाहर निकाल ली हूँ कटाई थी तो तेल नीचे चला जाए ना तो तेल ऊपर आ जाए तो कुछ ही सा पकौड़ा बढ़कर तैयार हुआ से यहाँ बना लाग रहे थे तैयारी कर रखी थी बिल्कुल पूरे पकौड़े वकोड़े पकौड़े 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 तारण की राम जी ने देखो के कर दिया है एकदम सुा चढ़ रहा है, है राम जी अरे ये सामान, सामान मैं उठवा रख दी हूँ देसी ने अरे आज लाइट का कमाल हो रहा है ये लाइट जल रही है जल्दी जानो अरे यो मेला मत लिया था हेलीकॉप्टर जानू तो आते पकड़ लिया ये आप लोगों को दिखाया नहीं था अभी जस्ट आया ही है रसमीला अगे सपना बनवान। मैं अनिता ती कव लाग रही थी कि अगर आज अपनी लाइट ना होती तो अपना के हाल होता आज तो आप कति लेट में लेट हो ही रहा था लेट क्यों हो गया पहले तो आप हमारी एक बार लाइट देखो जो हमने मंगवाई थी यह वाली लाइट मंगवाई थी हमने मिसो ऐप पर थी हमने आपती दिखाई ना है क्योंकि आज आई थी तो कल का वो लोग मैं अपने जरूर दिखावांगा तो मैं कह रही थी इससे काम चल के नहीं तो लेट हो ही जाऊँ तो आज तो लेट में लेट हो गया वैसे तो दोपहर दो बजे की लाग रही थी लेकिन लेट क्यों हो गया क्योंकि एक गाँव माँ ती एक बेबी आ गई थी और उस कहना भी फिर नू से गणा नहीं तो आधपूर्ण घंटा तो बैठना पड़े सर फिर पुण घंटा में ही तो लेट होना जरूरी लेट हो ही जाऊँ हाँ जरूरी तो क्या था लेट हो ही जाओ पुण घंटा में और मैंने अपनी सब्जी की तैयारी कर ली थी सब्जी बनाने से पहले खुरमा गुलगुला पकौड़ा ये सारी चीज़ मैंने बना दी थी और बड़का अलवा बार बड़का की फरमाइ थी पहले ये बना ली सब्जी बाद में बना ली फिर यूँ थी सब्जी बनाए पाचा तो रोटी खाई जाएंगी अगर सब्जी ना बनाई तो फिर रोटी क्यों कर खाई जाएंगी तो मैंने अलवाई स्टाइल में बनाई सपेठा की सब्जी को पेठा कोड़ा वो मैंने अपना सब्जी थी बना कर दी थी फ्राई करके कर कर बनाया था वरा ला गई थी मैं रोटियां का सब्जी बनाने के बाद पूरियाँ की मना कर दी थी एक तो इतना ऑयली हो गया था फिर मम्मी ने बोली कि चल पूरी तो कल बना लियो कल शनिवार भी है जहाँ थी हो आ जाएगा शनिवार ने अपना तेल भी फूक जाएगा और अपना बालक से वे भी बैल जाऊंगा पूरियाँ थी तो सब्जी आपने देख लियोगी रोटी में वो बनाने लाग रही हूँ ना देखी तो एक बार फिर देख लो सब्जी का कलर थी दिखने में ऐसा लगा टेस्टी बनी होगी और जिस चीज है ना उस चीज डबल टेस्टी बन रही है बाकी भी गरम गरम सब्जी है अनी तापती दिखाव लाग रही है हमारी इसी सब्जी बनी है फिलहाल साढ़े नौ बजे का टाइम हो गया है और ये काम सब वो बार का सुलटा है बाकी सारा बालक ने बोल बाल का अपना जो भी सामान था वह सारा दरवा दिया है एक घर टोकरी है ये मैं लेकर जाऊंगी ये चुला के बर्तन है इसके ये बुरे साफ महंगे बुरा बार बैठ बहार बैठ कर साफ करांगा बाकी बार का काम निपटा दिया है और फैली पड़ी है रसोई रसोई ने चिपटावगा साढ़े नौ ही साढ़े दस ग्यारह ग्यारह तो नॉर्मल बज ही जाएंगा तो बस देख लिया होगा आपने मारा आज का व्लॉग लोग और कैसा लगे आज का व्लॉग लोग करके जरूर बताइए बाकी मिला एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय